बहुत समय पहले की बात है, जोधपुर नाम का एक शहर था। उस शहर में एक बहुत बड़ी सोसाइटी थी। इस सोसाइटी में काफी परिवार रहते थे। सोसाइटी के लोग अपने घर का काम करने के लिए नौकरानियों को रख रखा था। सोसाइटी में काफी नौकरानियां काम करती थी। उन सब में से काजल नाम की नौकरानी बहुत प्रसिद्ध थी। वह अपना काम बहुत अच्छे से करती थी, जिसके कारण सोसाइटी के सब लोग उसी से काम करवाना चाहते थे। समय की कमी के कारण वह केवल कुछ ही घरों में काम कर पाती थी। जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, वैसे वैसे वह बाकी नौकरानियों से ज्यादा तनख्वाह की मांग करने लगी थी। कुछ दिनों तक लोग नहीं माने, लेकिन उसने जब काम छोड़ने की बात बोली तो सब लोग उसकी बात मान गए। कुछ दिनों तक उसने वैसे ही काम किया। वह हमेशा त्योहार पर नए कपड़े मांगती थी। लोग मजबूर होकर सभी त्योहार पर नए कपड़े देने लगे। जैसे जैसे लोग उसकी बात मानने लगे, उसकी ख्वाहिश भी बढ़ने लगी। अब उसको कपड़ों के साथ साथ मिठाई की भी मांग करने लगी। लोगों ने मजबूरी में उसकी बात मान ली। जिस तरह से वह अपनी ख्वाहिश लोगों पर थोपती थी, ऐसा लगता था कि वह घर की मालकिन है। दिन ब दिन उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी। उसमें धीरे धीरे घमंड आने लगा था। वह बाकी नौकरानियों से ज्यादा जो कमाने लगी थी। दिन ब दिन उसका घमंड बढ़ता ही जा रहा था। वह अपने आगे किसी भी नौकरानी को पूछती तक नहीं थी। यह सब लोगों से देखा नहीं जा रहा था। लोग मजबूर थे, कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। सब सोसाइटी वाले इस नौकरानी से छुटकारा पाना चाहते थे। गांव में कुछ काम होने के कारण काजल को कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा। इसी बीच एक नई काम वाली राधा इस सोसाइटी में आई। वह लोगों के घर जाकर काम मांगने लगी। सोसाइटी के लोगों ने उसको काम पर रख लिया। काम मिलने के कारण वह अच्छे से काम करने लगी। उसने काजल की जगह ले ली थी। वह काजल से भी अच्छा काम करने लगी, जिसके कारण लोग उसको काम देने लगे और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई, जिससे उसको बहुत खुशी हुई। जब सोसाइटी के लोग उसकी तारीफ करते तो वो घमंड करने की बजाय अपने काम को और सुधारने की कोशिश करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद काजल गांव से वापस आ गई। वह काम करने के लिए सोसाइटी में गई, लेकिन उसको चौकीदार ने मना कर दिया। वो बोली, मैं यहाँ काम करती हूँ। तब चौकीदार ने उसको बोला कि तुम्हें सोसाइटी के लोगों ने काम से निकाल दिया है, अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी तुमसे काम नहीं करवाना चाहता है। तुमने अपनी मनमानी बहुत कर ली। कुछ देर के बाद वो वहाँ से चली गई। रास्ते में दूसरी काम वाली मिली, जो उसी सोसाइटी में काम करती थी। उसने काजल को बोला, तुमको काम से इसलिए निकाला क्योंकि तुम मनमानी करने लगी थी और बिना वजह तनख्वाह बढ़ाने की बात करती थी। काजल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। घमंड आदमी को बर्बाद कर देता है। यदि आप में कोई गुण होगा तो लोग अपने आप ही आपकी तारीफ करेंगे। दिखावा करने से कुछ नहीं होता है।